सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने सिंधी बॉर्डर सिंघू बॉर्डर से हिरासत में ले लिया है। वो अपनी 700 किलोमीटर लंबी दिल्ली चलो पदयात्रा करते हुए दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। वांगचुक के साथ लद्दाख के करीब 150 लोग भी थे। पुलिस ने उन्हें भी डिटेन कर लिया है। वांगचुक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर दिल्ली की ओर मार्च कर रहे थे, जिसको लेकर सिंधु बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में धारा 163 लागू है और उसके बावजूद सभी लोग दिल्ली की सीमाओं में एक साथ प्रवेश कर रहे थे। वांगचुक समेत कुछ प्रोटेस्टर्स को दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद वांगचुक ने एक्स पर पोस्ट किया, 150 पदयात्रियों के साथ मुझे हिरासत में लिया जा रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर 100 पुलिस वाले हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1000 की संख्या में है। नमस्कार जूले, मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बस से जिससे हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियाँ हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुँच रहे हैं लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे बसों में खासकर हमारे बस में दो पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सारे लेन्स को मिलाकर एक किया गया है और इसीलिए बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है यहाँ पर। वैसे ही हमें बताया गया कि लद्दाख भवन जहाँ पर लद्दाख के नेता ठहरे हैं उन्हें बैरिकेड करके एक तरह का हाउस अरेस्ट किया गया है और जो लद्दाख के स्टूडेंट्स दिल्ली में हैं जिस मोहल्ले में या इलाके में हैं वहाँ भी बैरिकेड्स किए गए हैं। तो हमें